आज हम बनाने जा रहे हैं सिंघाड़े के आटे की बर्फी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनाने में भी बहुत आसान है। कोई भी इसको बना लेगा, इसको बनाना मुश्किल नहीं है। नमस्कार, मैं संतोष चौहान। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं हमने इस बर्फी को कैसे बनाया है। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच घी। घी को मेल्ट होने के बाद हमने डाला है 1 कप सिंघाड़े का आटा। आप कटोरी से भी मेज़रमेंट कर सकते हैं। अगर 1 कटोरी आप सिंघाड़े का आटा लेते हैं तो उसी के हिसाब से मैं आपको मेज़रमेंट बताऊंगी। तो 10 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको भूनना है। 10 मिनट हो चुके हैं, गैस को कर देंगे बंद और कढ़ाई यहाँ पर गर्म है तो गर्म कढ़ाई में कम से कम हम इसको 2 मिनट और हिलाएंगे। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है क्योंकि एकदम से गर्म में अगर आप पानी डाल दोगे तो ये सिंघाड़े का आटा है, बड़ी जल्दी इसमें गुठले पड़ जाते हैं। तो कढ़ाई गैस बंद करके ही मैंने उसको 2 मिनट चलाया है। अब मैंने डाला है 3 कप पानी। अगर आप 1 कटोरी सिंघाड़े का आटा लेते हैं तो उसी कटोरी से आपको 3 कटोरी पानी लेना है। मैंने कप से मेज़रमेंट किया है तो 1 कप सिंघाड़े का आटा और 3 कप पानी। अब लो मीडियम फ्लेम पर इसको हम चलाएंगे और गैस को जला देंगे। गैस बंद थी हमारी, फ्लेम को रखेंगे लो मीडियम। धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा, थोड़ा सा ही गाढ़ा हो जाए तब हम डाल देंगे इसमें चीनी। तो जितना हमने सिंघाड़े का आटा लिया है उतनी ही चीनी डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच हम डाल देंगे इसमें इलायची पाउडर। गाढ़ा होने तक लगातार हम इसको चलाएंगे। थोड़ा सा ही गाढ़ा हो जाए तभी आपने चीनी और इलायची पाउडर डाल देना है। अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, छोड़ना नहीं है। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये गुठले इसमें पड़ जाएंगे। अब गाढ़ा हो चुका है, गैस को कर दिया है बंद। अब एक ट्रे ली है और उसको मैं चिकना कर रही हूँ, घी लगा रही हूँ। अब इसमें हम बर्फी को जमा लेंगे। बैटर को गाढ़ा होने में कम से कम 5-6 मिनट लगे। अब फैला देंगे चारों तरफ से और इसके ऊपर से मैं डाल रही हूँ बादाम और पिस्ता, बारीक काट कर डाला है। पिस्ता ध्यान रखिएगा, पिस्ता नमक वाला नहीं होना चाहिए। अब 1/2 घंटे के लिए हम इसको रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। 1/2 घंटे में ही ये जम जाएगी। 1/2 घंटा हो चुका है, अब इसको हम कट कर लेते हैं। बर्फी की शेप में, जैसे बर्फी की शेप होती है उसी तरह से हम इसको कट कर लेंगे। और यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगी कि व्रत में तो हम इसको खाते ही हैं, पर जिनको कमजोरी रहती है, दुर्बलता है, वो लोग भी इसको खा सकते हैं। तो काफ़ी पौष्टिक होती है ये देखिए, परफेक्ट सिंघाड़े के आटे की बर्फी हमारी बनकर तैयार है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बनाकर देखिएगा कि आपकी जो बर्फी है वो कैसी बनी। मेज़रमेंट परफेक्ट रखिएगा जो मैंने आपको वीडियो में बताया है।